चलिए कुछ और अहम खबरों को अब देखेंगे। राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी एक्ट को एक बार फिर देश के लिए जरूरी बताया है। गहलोत ने कहा कि हमारा विश्व गुरु का सपना तभी संभव होगा जब हम गरीब और मिडिल क्लास की जरूरतों को पूरा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आमजन को महंगाई से राहत देने को लेकर लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का आगाज किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने बटन दबाकर 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा, ये सब्सिडी किसी पर एहसान नहीं है, जनता को राहत देने की हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, अब वो वक्त आ गया है जब देश में राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी को कानूनी अधिकार मिले। स्कीम भारत सरकार की ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उन्होंने शुरू करी है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू करी। पर 400 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ते 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 1140 का हो गया। तो आप बताइए, इतना महंगा सिलेंडर वो गरीब परिवार कैसे खरीद सकते हैं। इसकी उनकी है, यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस के अंदर। हम उनकी स्कीमों को बंद नहीं करते हैं। ये उदाहरण है उज्ज्वला का, तो उनकी स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं और वो जब सरकार में आते हैं तो हमारी रिफाइनरी बंद कर दी। अजमेर जिले के 54,694, अलवर के 59,514, बांसवाड़ा के 25,615, बारा के 29,246, बाड़मेर के 67,362, भरतपुर के 58,515, भीलवाड़ा के 52,064, बीकानेर के 54,626, बूंदी के 26,613, चित्तौड़गढ़ के 41,445, चूरू के 56,618, दौसा के 41,532, धौलपुर के 25,918, डूंगरपुर के 19,718, हनुमानगढ़ के 36,979, जयपुर के 80,100, जैसलमेर के 17,584, जालौर के 38,115, झालावाड़ के 39,115 उपभोक्ताओं के खातों में लाभ किया गया ट्रांसफर। इसी तरह झुंझुनू के 47,181, जोधपुर के 65,767, करौली के 28,460, कोटा के 27,509, नागौर के 70,517, पाली के 40,731, प्रतापगढ़ के 15,005, राजसमंद के 27,873, सवाई माधोपुर के 26,499, सीकर के 61,153, सिरोही के 18,817, श्रीगंगानगर के 45,200, टोंक के 38,950 और उदयपुर के 51,553 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ का किया गया हस्तांतरण। कभी काम रुकने नहीं चाहिए, लोकतंत्र है। चुनाव में कोई जीतता है, माई बाप तो आप लोग बैठे हो, पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है। लोकतंत्र में माई बाप वो है लोकतंत्र के, जिनको चाहते हैं वो सत्ता सौंपते हैं। और ये 75 साल हो गए देश को आज़ादी के, हमें हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ वोटों का राज कायम रहा। इसलिए महिलाओं का, गरीबों का मान सम्मान कायम है। अगर वोटों के मालिक आप नहीं हो, एक वोटों के धनी नहीं हो, तो जनता को कौन पूछे। ये है लोकतंत्र। योजना को लेकर प्रदेश के सभी 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। इन सभी लोगों से सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। उन्होंने राहत कैंप और सरकार की योजनाओं को लेकर खुलकर बातचीत की। कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंपों और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास, मंत्री महेश जोशी, मंत्री ममता भूपेश, मेयर मुनेश गुर्जर, विधायक अमीन कागजी, गोपाल मीना, मुख्य सचिव उषा शर्मा, ACS अभय कुमार, CM प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा, कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ विकास शर्मा की रिपोर्ट।